खबर अमरपाटन से। सूदखोर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। सूदखोर सोनू खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने रज्जू कोटवार का घर अपने नाम कर लिया था। ब्याज के कागजात पर रज्जू से अंगूठा लगवाया था। आरोपी ने रज्जू के अनपढ़ होने के से ये जालसाजी की है, क्योंकि उसका पता था कि रज्जू अनपढ़ है और इसीलिए उसको घेरे में लेकर उसके साथ जालसाजी की। ब्याज की रकम के साथ ही घर हड़पने की साजिश रची। तो ब्याज की रकम, क्योंकि ब्याज के कागजात पर उससे अंगूठा लगवाया, लेकिन साथ ही साथ घर हड़पने की उसने साजिश रची। ब्याज की रकम वापस न लेकर घर पर ताला जड़ दिया। एसडीओपी शिव कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है। सोनू खान जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कहा भाई तुम्हारे साथ? हमारे साथ आके ताला लगा दी थी, 7-8 दिन रहे। को लगाई सी? सोनू। काहे लगाई सी? इसकी पैसा दिया तो हम कहीं पैसा तो दे दे भाई, 10 रोज बाद तुम्हारे पैसा तो नक्की है, 10 रोज बाद दे। जब गरीब आदमी रहा जी तो आके तारा लगा के चला गया। तो घर और के दोनों कागज वगज भी दस्तखत करे का? दस्तखत वो हिम करे नहीं, स्टाम्प। काहे के स्टाम्प पर मालूम है? नहीं मालूम, पढ़े लिखे तो आइए नहीं आए। को कराए इस्ते? सोनू कराए तो ही तो पंकज सो। राजू कोटवार ने एफ आई आर कराई है, जिसमें सोनू खान है पुरानी बस्ती का, उनके द्वारा मैंने बीच में इनको कर्जा दिया, 1.5 लाख रुपए कर्जा दिया था, वो वापस करने पे विवाद होने पे ये उनके घर में ताला लगा के आ गए थे, तो उसमें एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, कर्जा एक्ट और संबंधित आईपीसी की धारा। और सुहागपुर में